स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि कैसे अगर आप एक शूज़ या फुटवेयर बिजनेस चलाते हो तो आपके लिए ये ऑनलाइन ब्रोशर वेब ऐप आपके बिजनेस को और ज़्यादा प्रोफेशनल बना देगा और मार्केटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ये आपके लिए पूरा एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है। इसमें आपका बिजनेस का डोमेन नेम, बिजनेस का नेम, लोगो सब कुछ लग जाता है। इसके वजह से आपका ब्रांड अवेयरनेस, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा हो जाता है। हमने इसमें सारे फीचर्स को अनलिमिटेड रखा है, किसी भी चीज़ पे आपको लिमिटेशंस नहीं है। ये बैनर्स जो आप देख पा रहे हो, ये मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो, ऑफर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके कस्टमर्स को हमेशा आपकी वेबसाइट ओपन करने के बाद ये फ्रंट पेज पे दिखते रहे। उसके बाद है कैटेगरीज। आपके बिजनेस को लगने वाले सभी कैटेगरीज आप बहुत ईजिली यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। इमेज और कैटेगरी के नेम के साथ आप मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। आप इन कैटेगरीज को कभी भी आपके बैकएंड पैनल से ऐड, अपडेट, डिलीट कर सकते हो। ये भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि कैसे आप सब कुछ इनको मैनेज कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोडक्ट ब्रोशर रहने का फ़ायदा ये है कि ये पूरा डायनामिक होता है और कभी भी आप इनके लिंक्स आपके कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है मोर, जिसमें आपके सोशल मीडियाज आप ऐड कर सकते हो। बैकएंड से आपको जो भी चाहिए यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हो। और उसके नीचे है अबाउट अस, एक छोटा सा सेक्शन है जो आप बैकएंड पैनल से अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा एक डायनामिक सॉल्यूशन है। एवरीथिंग आप जो यहाँ देख पा रहे हो, ये सब कुछ डायनामिक है और बैकएंड पैनल से अपडेट किया जा सकता है। जैसे चलिए हम कैजुअल शूज़ की कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कैजुअल शूज़ के कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर आ चुके हैं। आप इन सभी प्रोडक्ट्स को बैकएंड पैनल से ऐड अपडेट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और ऑफर प्राइस भी यहाँ पे बहुत इजीली एंटर किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो आपका कस्टमर कुछ इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली कैटेगरी वाइज देख सकता है। हमने यहाँ पे कई सारे मल्टीपल आइटम्स ऐड किए हैं। हम इन आइटम्स को और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए किसी आइटम को हम क्लिक कर लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए किसी कस्टमर को इस प्रोडक्ट के डिटेल्स देखने हैं, तो उस पर क्लिक करते ही इस प्रोडक्ट के सभी डिटेल्स खुल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो ताकि कस्टमर को इस शूज़ का पूरा ओवरव्यू मिल सके। उसके बाद फिर नीचे इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, क्या प्राइस है और इस पर क्या ऑफ़र है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। मल्टीपल वेरिएंट्स भी हो सकते हैं तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी एक ही है तो हमने यहाँ पे एक वेरिएंट दिख रहा है। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आप सब कुछ बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो बैकएंड से। तो सपोज़ कीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो सपोज़ ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नया, तो इसकी लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, किसी कस्टमर को शेयर कर सकते हो ताकि ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर को दिखे और वो इसके इंक्वायरी करता है तो आप उसको पूरी डिटेल्स इस शूज़ के बारे में पता चले। इस तरीके से अब आपका ऑनलाइन ब्रोशर ट्रेडिशनल ब्रोशर, पीडीएफ ब्रोशर को बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसके कारण अब आपको ऑनलाइन जो है पावर मिल जाता है बिजनेस को चलाने के लिए। तो इसके लिए ये डायनेमिक होता है ऑनलाइन होने के वजह से। इसके वजह से आपको कभी आपके डिज़ाइनर के लिए फिर से डिज़ाइनर के पास जाना नहीं पड़ता है पीडीएफ को अपडेट करने के लिए। बस आपने नए प्रोडक्ट का फ़ोटो अपलोड कर दिया ऑनलाइन आपके बैकएंड पैनल से, तो तुरंत आपके कस्टमर्स को भी वो दिख जाता है और इसकी लिंक भी कॉपी करके आप आपके कस्टमर्स को या मार्केटिंग के लिए आगे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अब कोई भी कस्टमर ऑनलाइन बहुत ईजिली चेक कर सके। तो फिर ये सब कुछ होने के बाद एक आपको सर्च फीचर भी मिलता है। सर्च फीचर बहुत पावरफुल है। आप कोई भी चीज़ यहाँ से सर्च कर सकते हो और सर्च करते ही आपको सर्च रिजल्ट्स बहुत इजीली यहाँ पे देखने मिल जाएंगे और इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी आपको देखने मिल जाएगी। सर्च फीचर आपके बहुत काम में आ सकता है क्योंकि आप इसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण अगर सर्च करना पड़े तो सर्च बहुत इजीली हो सकेगा।
तो फिर आप आज ही ऑनलाइन ब्रोशर आपके बिजनेस के लिए रेडी करवा सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट फीचर्स के बारे में पता चल सके। यहाँ पे इस बार हमने FAQs का एक नया फीचर ऐड किया है जिसकी मदद से अगर आपके कस्टमर के कोई क्वेश्चंस है तो वो यहाँ पे उसे मिल सके। आप देख सकते हो कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके बैकएंड पैनल से ऐड कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके कस्टमर को अगर कभी रीड करने की इच्छा हुई तो वो रीड कर सके। तो फिर ये आप जो आपके सामने अभी है ये है बैकएंड पैनल। तो कस्टमर वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ से बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। बैनर्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, FAQs, सोशल सेटिंग्स, ये सब कुछ चीज़ें बहुत इजीली बैकएंड पैनल से मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ अनलिमिटेड है। चलिए देखते एक एक फीचर्स का ओवरव्यू। बैनर्स में आप देख सकते हो जो भी कस्टमर का डैशबोर्ड पे या फ्रंट पेज पे स्लाइडर हो रहा है तो वो ये इमेजेस है और आप इन इमेजेस को बहुत इजीली ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हो। तो फिर एक नया इमेज ऐड करने के लिए प्लस बटन है जहाँ पे आप इमेज और लिंक ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें एंटर करके सबमिट करते ही एक डैशबोर्ड पे कस्टमर के एक नया बैनर इमेज ऐड हो जाएगा। कभी आपके पास ऑफर है या कुछ है या नया प्रोडक्ट का लॉन्चिंग है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिर ये तो हो गया बैनर मैनेजमेंट। तो अभी हम देखेंगे कैटेगरी मैनेजमेंट। कैटेगरीज में आपको आपके बिजनेस के लगने वाले सभी कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस के। जैसे आप यहाँ देख सकते हो हमने कई सारे कैटेगरीज ऐड किए हैं। तो फिर जैसे कि हमने कहा ये सब कुछ डायनामिक है, कभी भी आप इसे एडिट डिलीट कर सकते हो और विद इन अ सेकेंड ये कस्टमर के पोर्टल पे या कस्टमर ऐप पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी और नेम और कैटेगरी का फोटो अपलोड करके बहुत इजीली एक नया कैटेगरी ऐड कर सकते हो। और ये हो गया आपका कैटेगरी मैनेजमेंट। अब इन कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते किस तरीके से। एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन के। आप 1,000, 2,000, 5,000 जितने प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो फिर आप यहाँ देख पाएंगे हमने कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं कैटेगरीज में। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में हमने ऐड किए हैं। क्रॉक्स में हमने 8 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। तो हर एक कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। फॉर्मल शूज़ में हमने ऐड किए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, कोई कैटेगरी में एक प्रोडक्ट ऐड किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो हमने ये वॉकिंग शूज़ की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। प्लस बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और उसी तरीके से आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप डेकोरेट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने मिलेंगे। तो जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया है इनको आप आपके हिसाब से प्रॉपरली डेकोरेट कर सकते हो जिसकी मदद से आपका कस्टमर इजीली देख सके। पॉइंट्स नंबरिंग सिस्टम हमने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे इजी टू वियर, सेकंड है कंफर्ट। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे आप अपलोड कर सकते हो। तो अब ये होने के बाद क्रिएट बटन पे हिट करते ही इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपके प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं तो विदाउट एनी लिमिटेशंस के आप सारे इमेजेस अपलोड कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये इमेज अपलोड होते ही अब यहाँ पे ऐड इमेज का बटन है ताकि ये इमेज इस प्रोडक्ट में अटैच हो जाए। ऐसे हमने कई सारे प्रोडक्ट के इमेजेस यहाँ पे ऐड कर लेने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 इमेजेस हमने ऐड किए और एक इमेज हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एक लास्ट इमेज यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से विदाउट एनी लिमिटेशन के आप सारे इमेजेस बिंदास यहाँ पे ऐड कर लीजिए और अगर किसी इमेज को डिलीट करना है तो वो भी बहुत इजीली किया जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट हमारी स्टेप है ऐड वेरिएंट्स की। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे जहाँ पे हमें अब वेरिएंट्स को ऐड करना होगा। जैसे कि एक कलर हो सकता है आपके केस में वेरिएंट्स, और भी चीज़ें हो सकती है, प्राइसिंग और साइज की वेरिएंट्स हो सकती है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। तो हमने ये सारी चीज़ें एंटर कर दी और सबमिट कर दी ताकि हमारा अब ये प्रोडक्ट ऐड हो गया है। तो इस प्रोडक्ट का आप कभी भी अपडेट
कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे एक्शन बटन में आपको इमेजेस, वेरिएंट्स और एडिट डिलीट बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो बहुत इजीली आपके प्रोडक्ट ब्रोशर में आप प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस के। आपको जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करने आप कीजिए, आपको विदाउट एनी लिमिटेशन और एक्स्ट्रा चार्जेस के आप इसमें आपके प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। और फिर हमने देखा था FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप अपलोड कर सकते हो, आपको जब चाहे तब आप इसको मेंटेन कर सकते हो। बहुत इजीली क्वेश्चन एंड आंसर एंटर करके आप यहाँ पे FAQ ऐड कर सकते हो। इसकी वजह से आपके कस्टमर्स को FAQs पढ़ते आते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो वेबसाइट पे ही वो चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक न्यू फीचर FAQs, जिसमें आप सब कुछ FAQs क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैनेज कर सकते हो। तो फिर और एक नया फीचर है सोशल, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब या जो भी इमेज के साथ लिंक आपको ऐड करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। एक नया सोशल मीडिया या एक फूटर इमेज आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप बहुत इजीली कर सकते हो इमेज और लिंक अपलोड करके। तो फिर और एक लास्ट फीचर है सेटिंग्स, जिसमें आपके वेबसाइट के सेटिंग्स को आप मैनेज कर सकते हो। कंपनी का नेम, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को आप अपडेट कर सकते हो, एड्रेस आप एंटर कर सकते हो, ईमेल आईडी आप बहुत इजीली एंटर कर सकते हो और लोगो भी आप बहुत इजीली अपडेट कर सकते हो। तो इसके वजह से क्या होता है कि कभी भी डायनामिक ब्रोशर के मदद से आप सारी चीज़ें को रियल टाइम में अपडेट कर सकते हो। नीचे और एक सेक्शन है अबाउट अस का, जहाँ पे आपके कंपनी का अबाउट अस आप एंटर कर सकते हो, जो कस्टमर को डैशबोर्ड पे ही उसे दिखेगा। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप ऑनलाइन ब्रोशर को अब मैनेज कर सकते हो। हमने ये सॉल्यूशन को बहुत इजी बना दिया है ताकि इसे कोई भी बिजनेस बहुत इजीली यूज कर सके। तो आज ही हमें संपर्क करें, वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ से व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।